भाई मार्केट में बोल्ट ने ऐसी स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। और चलो आज मैं आप लोगों के सामने उसे अनबॉक्स करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वो स्मार्टवॉच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा अच्छे प्राइस पर आती है ये वाली स्मार्टवॉच और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सीरीज वाली स्मार्टवॉच है ये। एवरीवन मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बोल्ट की तरफ से आने वाली बोल्ट रोवर अल्ट्रा स्मार्टवॉच को भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है आप लोगों को इस स्मार्टवॉच के बारे में भाई ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग कहां से बाय कर सकते हो, किस प्राइस पर आता है, किन फीचर्स के साथ आता है, क्या स्पेक्स होती हैं, ए टू जेड आप लोगों को सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले अब चलते हैं इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है। इसके बॉक्स में जैसे ही इसे हम अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले हमारे पास इसका यूजर मैनुअल आ जाता है ब्लू कलर का। और उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिल जाती है, आप इसको स्कैन करके इसकी वारंटी को रजिस्टर कर सकते हो। और इसी के अंदर हम अंदर जाते हैं तो हमें इसकी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जो कि मैग्नेटिक पिन टू यूएसबी ए टाइप की केबल आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं भाई यहाँ पर आप लोगों को एक और टूल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा चेन स्मार्ट वॉचेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप अपनी स्मार्ट वॉच को एडजस्ट कर सकते हो इस टूल की मदद से। तो आप लोगों को इसके बॉक्स में वो एडजस्टमेंट टूल भी देखने को मिल जाता है जिससे आप अपनी स्मार्ट वॉच को छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हो। अब हमारी तड़कती भड़कती भाई प्यारी सी स्मार्ट वॉच आ जाती है जो कि सिल्वर कलर में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। देखो भाई मजा तभी आएगा इसके बारे में बात करने में जब इसकी पन्नी वगैरह सारी अच्छे से हटा दूंगा। अब इसके बारे में बात करने में मजा आएगा ना भाई। पहले तो यहाँ पर आप लोगों को लॉक के ऊपर इसके बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। स्मार्ट वॉच आप लोगों को स्टेनलेस स्टील के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलती है। इसकी जो स्ट्रैप है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लुक के साथ आती है। यहाँ पर आप लोगों को चेन बहुत ज्यादा शाइनिंग लुक प्रोवाइड करती है। अब हम आ जाते हैं अपने डायल पर और यहाँ पर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप लोगों को जो इसका फिनिश है बहुत ज्यादा प्रीमियम फिनिश के साथ ये देखने को मिलता है। माइक भी देखने को मिल जाता है और इसी के साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को इसका क्राउन देखने को मिल जाता है। बोल्ट रोवर अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आप लोगों को स्टाइलिश चेन स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को राउंड डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसका जो डिस्प्ले काफी ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर आप लोगों को 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को 1.52 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर आप लोगों को 360 एंगल से व्यूज देखने को मिलेंगे जो कि इक्वल क्वालिटी में किसी भी एंगल से देखो आप लोगों को इक्वल व्यूज देखने को मिलेंगे। देखो भाई अगर ना आप लोगों को हेल्थ मॉनिटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वॉचेस में और आजकल दे रही है, इसके अंदर आप लोगों को भाई सारे सेंसर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि आप लोगों को SPO2 देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को जैसे गर्ल्स होती है उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाती है, वो भी इजिली इससे ट्रैक हो जाएगा। स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाता है आप कितनी देर सोए, कितनी गहरी नींद में थे या नहीं थे, उस बीच से आपको पूरा डेटा आपको मिल जाता है। आप चेक कर सकते हो भाई, आप अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स को आप अपने पास रख सकते हो और आपको पता रहेगा कि भाई आपका स्लीप साइकिल क्या है। AI ना आपकी सारी चीजों को सारे टास्क बहुत इजी वे में कर दे रहा है। तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप लोगों को AI वॉइस असिस्टेंस देखने को मिलता है। आप इस स्मार्ट वॉच की मदद से भाई AI की मदद से अपना AI असिस्टेंस यूज कर सकते हो और किसी भी टास्क को इजीली कर सकते हो। क्यों कमाल का फीचर है ना भाई, मैं तो बहुत ज्यादा AI वॉइस असिस्टेंस का यूज करता हूँ। गूगल है सीरी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाइफ को आसान बना देती है। और अगर आप लोग ये यूज नहीं करते ना तो इसको यूज करना सीखो। इसके अंदर आप लोगों को डेडिकेटेड स्पोर्ट्स बटन देखने को मिलता है मतलब जिससे आप स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट कर पाओगे। और इसके अंदर आप लोगों को 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं भाई, 100+ समझ रहे हो, मतलब आप लोग क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, वॉलीबॉल खेलो, साइकलिंग करो, मतलब ए टू जेड आप जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं भाई जो भी स्पोर्ट्स में आती हैं आप सारी चीजें इससे ट्रैक कर पाओगे। अगर आप खेलते हो तो आप लोगों को इसमें सेट कर देना है और आप मस्त इसको यूज कर पाओगे, मतलब इसमें आप लोगों को सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह मैनेज करना चाहते हो इस स्मार्टवॉच पर, आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, इंस्टा की नोटिफिकेशन, जितनी भी आपकी नॉर्मल मैसेजेस वगैरह सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप रीड कर पाओगे या इसे डिलीट कर पाओगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह बंद करनी है तो आप लोगों को बोल्ट ऐप का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां से आप इस स्मार्टवॉच को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप इसको ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। स्मार्टवॉच को ऑन करते हैं और ऑन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप इसे ऑन करोगे ये स्कैनर आएगा। तो आप लोगों को बोल्ट ट्रैक ऐप डाउनलोड कर लेना है इस वॉच को ऑन करने के लिए। ऐप है आप लोगों को बोल्ट ट्रैक ऐप डाउनलोड कर सकते हो ये वाला, जस्ट आप लोगों को इसमें जो स्कैनर आएगा उससे डाउनलोड कर सकते हो इस वाले स्कैनर से, और वरना आप डायरेक्टली जाके भी बोल्ट ट्रैक लिखकर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर चलते हैं इसको ओपन कर लेते हैं भाई। तो हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है, यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पर पावर ऑन कर देना है अपने वाईफाई का, तो और यहाँ से
अगर आप लोगों को आपके ब्लूटूथ में यहाँ पर बोल्ट वॉच आ रहे आ जाएगा, इस स्मार्ट वॉच का नेम आ जाएगा और यहाँ पर ये देखो कनेक्ट हो गया है। और जैसे ही यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा आप लोगों को अपने इस ऐप में आ जाना है और सर्च नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी स्मार्ट वॉच आ जाएगी, को यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर आपकी स्मार्ट वॉच यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को सारे कितना डिस्टेंस आप चले हो, कितने क्या कितने गोल्स थे और आप लोगों को सारा आपका वर्कआउट का जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन की सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है, अलार्म वगैरह लगाना है, रिस्ट प्रेफरेंस वगैरह देखने को मिल जाती है आप किस हाथ में पहनते हो ज्यादा, और रेस टू वेक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पेयर कर रहे हैं, अभी तक हमने पेयर नहीं करा था, तो अब हमारी स्मार्ट वॉच अब यहाँ पर पेयर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे इसको यस। अब यहाँ पर देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गई है भाई। ठीक है, अब हमारी स्मार्ट वॉच यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई हमारी बोल्ट वॉच आ रही कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप लोगों को पुश नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती है, जिसका बंद करना है ऑन करना है आप नोटिफिकेशन यहीं से वो सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप वाटर कितनी देर में पीना है आप वो भी सेट कर सकते हो कि कितने घंटे में आपको ये याद दिलाए कि आपने पानी पिया या नहीं पिया। और यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स पुश नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, आप कितने सारी एक्टिविटीज वगैरह करते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट कार्डियो वगैरह स्पोर्ट्स मोड के सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को रिस्ट प्रेफरेंस, टाइम फॉर्मेट, ए टू जेड आप लोगों को शेक पे फोटो ले ले, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएंगी। आप लोगों को इसके अंदर वॉच फेसेस के जो अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ ये वॉलपेपर्स हैं आपको इसके अलावा लगाना है तो आप लोग यहाँ वॉच फेस का ऑप्शन है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूंगा डिटेल में कि कैसे आप इसमें वॉलपेपर सेट कर सकते हो, उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। ऑन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा डिस्प्ले आता है और यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे कि इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्राइटनेस पे जाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, ऊपर से नीचे आए और यहाँ पर ब्राइटनेस पे चले गए। अब यहाँ पर प्लस प्लस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो भाई कितनी तगड़ी ब्राइटनेस हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर जो कलर है ना भाई बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पर कलर्स काफी ज्यादा अच्छे आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्मार्ट वॉच के अंदर ले चलता हूँ भाई। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को डायलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉन्टेक्ट्स का, कॉल रिकॉर्ड्स का, वॉइस असिस्टेंट्स का और एक्टिविटी डेटा, जहाँ पर आपका सारा डेटा स्टोर होगा। और यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को देखो इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ना भाई। इसके अलावा भी आप ऐप से जाके ना और भी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो खुद से। फाइंड माई फोन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखो मेरा फोन वो रहा, देखो इस पे कॉल जाएगी अपने सिस्टम है भाई बोल्ट का, इतने अच्छे अच्छे फंक्शन बना रखे हैं। बोल्ट ऐप का क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। अब आपको सेटिंग में ले जाता हूँ, यहाँ पर मेन्यू स्टाइल्स के बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर 2 पर कर दिया, इससे पहले 3 पर था। तो देखते हैं भाई इस पे क्या है, इसमें कुछ इस तरीके वाला है। ठीक है, ये भी बढ़िया लग रहा है भाई। और एक और चेक कर लेते हैं भाई सेटिंग में चल के। सेटिंग में जाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है भाई, इधर से चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर मेन्यू स्टाइल में दोबारा गए और मेन्यू स्टाइल में करते हैं हम फर्स्ट, और फर्स्ट पर यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। ये वाला है, मस्त है भाई मस्त। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाले 3 मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। इनफ है भाई, बहुत ज्यादा क्यों बहरा हूँ क्या, जो पहचानूंगा नहीं। और क्या हो रहा है, और खाना वाना खा लिया। इस स्मार्ट वॉच को मैं यूज कर रहा था भाई, तो मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। इस स्मार्ट वॉच को अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी स्मार्ट वॉच है, आप ले सकते हो। और आप लोगों को अगर चेन स्मार्ट वॉच लेनी है तो आप यही लेना। और इसमें आप लोगों को एक ब्लैक कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, उसका भी डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा है। तो अगर आप लोगों को ये लेना है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे ले सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है भाई। आप लोग म्यूजिक वगैरह के शौकीन हो ना, तो इस स्मार्ट वॉच की मदद से आप म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो। जैसे बाइक वगैरह पे जा रहे हो तो म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो। बाकी आप लोग इस स्टेप्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, ये चेंजेबल स्टेप्स हैं। इसके अंदर आप लोगों को लॉक देखने को मिलता है, जहां से आप इसकी स्टेप्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को चेन नहीं पसंद तो आप मार्केट से दूसरा स्टेप खरीद कर इसमें यूज कर सकते हो।